के बारे में जानना चाहेंगे और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मैं इस पिक्चर का प्रोड्यूसर हूँ और कहानी भी मेरी लिखी हुई है। घात एक ऐसी पिक्चर है जिसमें काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी अच्छी एक्शंस हैं और एक तरह से काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो हर उम्र का दर्शक उसे साथ में अपने मम्मी डैडी भाई बहन सब बैठ के एक साथ देख सकेंगे। सर फिल्म का पोस्टर हमने देखा, दो शेडो दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या है ये? सर वो तो फिल्म रिलीज होने पे अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादा बेटर होगा। बता दीजिए कि लोग फिल्म देखने के लिए सोचे हाँ क्या है, इस पे कुछ तो पता होना चाहिए उन्हें कि क्या देखना है उन्हें, क्या है फिल्म? फिल्म जैसे अगर आप फिल्म देखना फिल्म बोलना चाहोगे कि फिल्म में क्या है देखने दर्शक, तो आपको ट्रेलर आएंगे तो आप तब देख लीजिएगा। अच्छा स्टोरी में, स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी में ऐसा क्या खास है जो आप इसको फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए सोचे और आपने खुद लिखा है, तो क्या रियल स्टोरी है? इट इज़ रियल स्टोरी तो नहीं कह सकता हूँ, बट इतना है कि मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों की स्टोरीज लिखी है। और दूसरी चीज़ जैसे कि एक पारिवारिक पिक्चर है, थोड़ा इमोशंस है, थोड़ा एक्शंस है, एक परफेक्ट आज के टाइम पे जैसे भोजपुरी मूवीज लाइक हम अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ नहीं देख सकते, बट या एटलीस्ट आप वो कर पाएंगे इतना बता सकता हूँ आपको। जब कास्टिंग की बात करें तो कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे कहाँ तक पहुँचे, बाकी कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे कौन कौन नजर आएंगे इसमें? कलाकार में आपको नजर आएंगे हमारे मेन जो हीरो है सतिंदर सिंह जी, प्रिया कपूर, रजनी मेहता, हमारे मिश्रा जी का नाम क्या है, विनोद मिश्रा जी, और काफ़ी है। ऑलमोस्ट की बात करें तो कब तक स्टार्ट होने वाली है फिल्म की शूटिंग? इसी महीने के अंत तक स्टार्ट करेंगे। तो लोगों के बीच कब तक फिल्म रिलीज हो जाएगी, लोगों को इंतजार होगा इस फिल्म का आज? उम्मीद है मार्च या अप्रैल में। फिल्म में किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार है आपका इस फिल्म में? ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये हमारी ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज़ रखी हूँ मैं, और मैंने अब तक जितनी भी मूवी की अभी तक मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि मैंने जब तक जितने मूवी किए हैं ये मूवी सिर्फ मैं अपने ऑडियंस के लिए सरप्राइज़ रखी हूँ। ये मूवी आप देख सकते हैं कि इसकी इतनी स्ट्रांग टाइटल घात है, तो अंदर क्या क्या मसाला होंगे वो तो बताने से अच्छा है कि हमारे ऑडियंस पूरी फैमिली के साथ जाए और थिएटर में देखे, फिर उनको पता चलेगा। तो इस फिल्म के लिए कुछ खास तैयारियां चल रही हैं या कुछ खास होगा जो आप लोगों को बताना भी नहीं चाहिए, तो कुछ खास होगा जो आप तैयारी कर रही होंगी? किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं किरदार के लिए और आपका किरदार कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? अगर मैं अपनी किरदार बता दूं तब तो पता चल जाएगा। ये एक मतलब क्या बोलूँ, एक सीक्वेंस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी और आई होप सो कि ये तो झंडा गाड़ के आएगा। तो फिल्म के स्क्रिप्ट देखने के बाद फिल्म में आपने साइन किया या पहले ही आपने बोला हाँ घातक है, अब ये प्रोड्यूसर सर है तो चलो हाँ फिल्म अच्छी है? नहीं, प्रोड्यूसर जी और हमारे सतिंदर जी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और आई होप सो एज ए आर्टिस्ट मैंने स्क्रिप्ट देखा और डायरेक्टली मैंने हाँ कह दिया, नहीं तो हमारे इतने बड़े पर्व है, मैं खुद आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, तो आज हमारे छठ का सबसे फर्स्ट डे है तो मैं तो भागी होती वहाँ पे, बट इस फिल्म और हमारे दिनेश जी और सतिंदर जी के वजह से मैं यहाँ रुकी हूँ और सबसे पहले फिल्म के स्टोरी के लिए, दैट्स इट। तो दर्शकों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं अपने दर्शकों को, अपने फैंस को बहुत बहुत छठ पूजा के हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और माता रानी करे, छठ माँ करे कि उनके आशीर्वाद हमें लगे और बहुत सारे दुआ मिले हमें और हमारे फिल्म को उस ऊँचाई तक ले जाए जो कभी नाम के मोहताज ना हो। थैंक यू। अगर आपके किरदार की बात की जाए तो किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप? अभी इतनी फिल्में देने के बाद अब एक न्यू फिल्म आ रही है घातक, तो इसमें क्या लोगों को देखने को मिलने वाला है? देखिए सबसे पहले तो मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सत्येंद्र सिंह का नमस्कार है आप सबको और हमारे दर्शकों। इस फिल्म के लिए मुझे हमारे दिनेश सर जी ने मुझे चुना है
मेरी फिल्में देखी और इन्होंने बोला कि आप मेरी फिल्म कर रहे हो, और इन्होंने अब तक मुझे नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूँगा या क्या करना है। मुझे ये है बताया जा रहा है कि आप फाइट करो, सीखो, अपने एक्टिंग पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। आई होप कि ये मेरे लिए, मुझे ही पता नहीं कि मैं क्या करूँगा क्या कर रहा हूँ। ये एक्शन मूवी है कुछ आपकी फाइटिंग वाइटिंग, तो मतलब आपकी कुछ तैयारियां चालू हैं? जी मैं फाइट सीख रहा हूँ, हमारे गुरु हैं शाहबुद्दीन शेख जी फाइट मास्टर, उनसे। और हमारे दिनेश सर जी का कहना है कि इस फिल्म के लिए तुम इतना प्रिपेयर हो जाओ कि जो मैंने तुम्हारे ऊपर जो वीडा उठाया उसको तुम ऐसा झंडा गाड़ो इंडस्ट्री में कि लोग तुम्हें याद करें। तो हम उस काम में लगे हुए हैं और हमारी फिल्म ये है कि हमारी पूरी दर्शक और जनता और पूरे फैमिली के साथ आप फिल्म देख सकते हैं। इंटरटेनमेंट भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है, सब कुछ है, फैमिली ड्रामा भी है। एक माँ का बोलते हैं ना कि ममता का टूट प्यार का, ये है, हम ये बताएंगे और कुछ मुझे नहीं बताया गया। तो मैं फिल्म में आपसे बड़ी उम्मीदें रखी गई हैं जैसे आपने अभी बताया, तो क्या आप उस उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे? जी मेरी कोशिश है कि मैं इस अपने फिल्म के लिए कोशिश करूं और मेहनत पे अपना खरा उतरूं, ये मेरी कोशिश है। और मैं आप सबका आशीर्वाद, दर्शक का आशीर्वाद ये लेना चाहता हूँ। और जो अभी हमारा पावन पर्व त्यौहार छठी मैया का चल रहा है, तो छठी मैया से मैं विनती कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ कि हमें इतना आशीर्वाद प्यार दें और कि मैं ये फिल्म को इतना अच्छा करूँ, अपने मेहनत पे इतना खरा उतरूँ कि लोग मुझे बोले। और हमारे विजय कुमार जी जो निर्माता हैं, हमारे दिनेश सर, हमारे ग्रेट राइटर एंड प्रोड्यूसर है, इन्होंने मेरे ऊपर जो फेथ किया है उस पर मैं खरा उतरूँ। सतिंदर जी, जैसे आपने कहा इस फिल्म में इमोशन है, ड्रामा है, हर एक चीज़ मिलेगा, तो आपके हिसाब से इस फिल्म का यूएसपी क्या होगा? देखिए मेरे हिसाब से इस फिल्म का ये होगा कि हमारे जो मेकर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो उनको मैं क्या बताऊं, आप लोग सब जानते हैं, पूरी मेरी जानता जानती है कि उन्होंने आनंद दी घटराज जो डायरेक्टर हैं अच्छी फिल्म दे चुके हैं, अवार्ड भी ले चुके हैं, और वो एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। और हम अपने किरदार को ऐसे, जैसे हमारी ये प्रिया जी हैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, हमारे साथ रजनी मेहता जी हैं, इन्होंने काफ़ी फिल्में किया, बहुत मजी हुई कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो हमारे को आर्टिस्ट है वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मैं भी उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ, और हम मेहनत अपना कर रहे हैं दिल से, जान से, लगन से, तो हम ज़रूर अपनी मेहनत पर कामयाब होंगे। और खतरा मतलब जो हम दोस्तों को चाहते हैं कि मैं इस जो फिल्म के लिए घात के लिए आए हैं वो अपना मुकाम हासिल करके रहेंगे और झंडा गाड़ कर रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो मूवी में लोगों को एक हीरोइन मिलती है, आपको तो दो दो हीरोइन दे दिया गया है, यहाँ पे तो क्या मतलब क्या है? देखिए ऐसा है कि दो हीरोइनें मिली हैं, लेकिन ये दो हीरोइन में तो मैं इतना तो इमेजिन कर सकता हूँ कि एक हमारी प्रेमिका होंगी, शायद एक हमारी शादी हो, या कोई मिले या कोई ना मिले, ये मुझे भी पता नहीं है, ये सरप्राइज रखा है मेरे दिनेश सर जी। इसलिए रखा गया है कि अगर एक के साथ जोड़ी हिट ना हो तो दूसरे के साथ हो जाए। मतलब फिल्म को हिट करना ये सोच लिया? जी जी जी। मैं अपने जितने भी दर्शक से हम आग्रह करना चाहता नहीं, करजोरी बा, बिनती बा, नमस्कार बा, हमारा सभी जो भी भोजपुरी दर्शक बा ओकरा से कि हमने क्या रहल बा इंसान फिल्म घात लेके SBN मोशन पिक्चर ये फिल्म बना रहल बा घात, और हमार प्रोड्यूसर दिनेश केसवानी जी, विजय कुमार जी, और हमार जे हीरोइन लोग बा प्रिया कपूर जी, रजनी मेहता जी, और जे रुआ जाना तनी जे पूरे भोजपुरी के मधुर संगीत दे चुकल बा, जेकर नाम है धनंजय मिश्रा जी, वहाँ के म्यूजिक बा, और जे फाइट मास्टर, जे फाइट जिनके मार झाड़ से रुआ लोग बहुत खुश रहल बानी, शहाबुद्दीन शेख जी, और नृत्य के जे हमने के नचा रहल बा धुन पे पप्पू खाना जी और कानी मुखर्जी जी, और आप सबका प्यार चाही कि हमने के आ रहल बा इंसान साथ में ये तीन तिकड़ी घात लेके। नमस्कार। अब आपके किरदार की बात करें तो आप कौन सा किरदार निभा रही हैं? जी जैसा कि मुझे खुद नहीं पता है अभी इस मूवी में मैं कौन सा किरदार निभा रही हूँ, बस हाँ ये पता है कि मैं भी एक हीरोइन हूँ और वही किरदार कर रही हूँ, बस इतना ही पता, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता है? जी नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं पता है।
तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जानना चाहिए आखिर मैं आपको मूवी में क्या कैसा किरदार है? बिल्कुल जानना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि जो बना रहे हैं या जिनके साथ हम कर रहे हैं वो हमारे को स्टार अच्छे हैं और हमें इतना पता है कि हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं वो अच्छा ही होगा, तो उसको जानना ज़रूरी नहीं होता। जी, गाने इसमें बहुत ही अच्छे हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा पहले, थोड़ी देर पहले बज रहा था, गानों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और गाने बहुत ही सुंदर बन रहे हैं। जो भी सुनेगा वो उन्हें इतने अच्छे लगेंगे कि उन्हें बार बार सुनेगा। तो इसमें कोई आपका डांस का धमाका भी दिखने वाला है? जी फिलहाल तो वो मुझे नहीं मालूम है, मैं कह नहीं सकती। हीरोइन है तो जरूर धमाका दिखेगा ही दिखेगा। डांस वो तो आप जब आएगा आप लोग देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, अभी मैं कह दूंगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। मींस पूरी फिल्म ही सस्पेंस में रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि फिल्म की शुरुआत अब हो चुकी है, मुहूर्त आज हुआ है, तो इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं, खुश भी हैं और बहुत अच्छे तरह से आज मुहूर्त हुआ भव्य तरीके से। बिल्कुल हमने जो कास्टिंग की है वो एज़ पर द स्क्रिप्ट, एज़ पर द कैरेक्टर हम लोगों ने ऑडिशन भी लिए हैं और सतेंद्र जी, प्रिया और रजनी जो है पूरा उन लोगों को बाकायदा हम लोगों ने एज़ पर द कैरेक्टर उनको कास्ट किया है एंड यस वी आर सेटिस्फाइड टिल नाउ। जी जी, स्टोरी सोशल है और हम उससे ज़्यादा इससे अभी रिवील नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, फैमिली के साथ लोग बैठ के इस फिल्म को आराम से देख सकते हैं, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। और एक गांव की कहानी है। कास्टिंग कहाँ तक पहुँची कलाकारों के बारे में? कास्टिंग में अभी एकदम फाइनल, फुल एंड फाइनल ये तीनों ही हुए हैं, जैसे कि सतेंद्र सिंह, प्रिया कपूर एंड रजनी मेहता, ये तीनों अभी फुल एंड फाइनल, बाकी हम लोग धीरे धीरे अभी कास्टिंग कर रहे हैं। शूट की बात करें तो कब से स्टार्ट होगा और क्या लोकेशन होगा? मिड नवंबर में हम इस फिल्म को फ्लोर पे ले जा रहे हैं और इसका लोकेशन होगा बिहार का एक जगह है गोपालगंज, वहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। तो वहाँ से कोई जुड़ी हुई स्टोरी है क्या ये? जी जी जी, स्क्रिप्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ गए और पूरा रेकी किया, हमारे स्क्रिप्ट के मुताबिक हम लोगों ने एक एक जगह वहाँ देखा और फाइनल किया हुआ। तो पूरी फिल्म वहाँ ही करने वाले हैं और भी लोकेशन? नहीं, पूरी फिल्म गोपालगंज में ही करेंगे पूरी फिल्म। ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे घात फिल्म के लिए? जी, घात फिल्म की पूरी यूनिट की तरफ से हमारे सारे दर्शकों को छठ पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएं, छठ मैया की जय हो। अब मुहूर्त होने के बाद लोगों को ट्रेलर का बहुत ही इंतजार होगा, तो जी। कब तक उनके ये जो इंतजार है कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए मैं मतलब दो महीने बाद हम ट्रेलर तो दिखाने की पूरी प्रयास करेंगे, दो नहीं तो तीन महीने में तो हम आ ही जाएंगे मार्केट में। थैंक यू सर। मैं फिल्म के बारे में तो लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो तो देख के पता चलेगी लोगों के ओपिनियंस जब होगी, जब हमारी रिलीज होगी पिक्चर, और हमने अपने हिसाब से अच्छा उसमें पब्लिक की देखते हुए हमने एक नई शुरुआत की है और आगे आप बताएंगे, आप ज़्यादा वो हैं, सोशल मुद्दा है। ये भी क्या यही चीज़ दिखाया जाएगा सोशल, कोई मैसेज मिलेगा? मैसेज मिलेगा? बिल्कुल मैसेज तो मिलेगा, मैसेज तो आपको हर एक पिक्चर से मिलता है, लेकिन वो कितना मैसेज क्या होता है ये तो आप ही लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि मैसेज क्या है। और सर ये चीज़ तो हमने बिल्कुल ध्यान में रख के बनाई है, आपने सॉन्ग भी सुना है इसका, अभी थोड़ा सा ट्रैक हमने बजाया था तो वो बिल्कुल फैमिली के साथ, अगर जब तक हम लोग को ये एक चेंज नहीं आएगा तो वो भोजपुरी का एक वो लगा हुआ है ठप्पा के कहना भाई बर्गलिटी है फिल्म में या कुछ है, वो चीज़ नहीं जाएगी। कोशिश यही है कि हमारी फैमिली के साथ बैठ के अच्छी तरह सब इन्जॉय करें, पूरी फैमिली इन्जॉय करें, ये तो पिक्चर में आपको पता चलेगा। सब आप लोग सीक्वेंस ही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ब्रेक हो जाता है। ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? आप आइए, ऑडियंस से तो यही मेरी अपील है कि आप आइए देखिए और उसके बाद फिर हमारे को बताइए कि हम लोग किस तरह के अपने कामयाब हुए या नहीं हुए। थैंक यू थैंक यू। देखिए खुशी तो बहुत ही है, बेशक से मैं इस फिल्म में काम करूं या ना करूं, हम कलाकार हैं और हम बाकी इस फिल्म में जो भी कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, और अपने प्रोड्यूसर जी हैं दिनेश जी, डायरेक्टर हैं अपने आनंद जी, तो उनकी तो परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको मालूम ही है कि कितने अच्छे डायरेक्टर हैं वो, और हम आशा करेंगे कि ये फिल्म भी वो बहुत ही अच्छा बनाएंगे और हमारे दर्शक इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। आपकी अगर कोई फिल्म की बात करें तो आप बताना चाहेंगे आपकी कोई अपकमिंग फिल्म है या कुछ? हाँ हाँ, मैंने तो 40-50 फिल्म भोजपुरी किया है, बट अब मैं हिंदी करती हूँ,
बट भोजपुरी से मुझे लगाव है क्योंकि मैं भी बलिया से बिलोंग करती हूँ, मेरा भी मातृभाषा भोजपुरी है, तो मैं भोजपुरी से अपने आप को दूर नहीं रख पाती हूँ। तो कोई फिल्म आती है जो हाँ हाँ दिल ले गए लोढ़निया वाली, गठबंधन प्यार के, इंसाफ, मतलब एक के बाद फिल्में दे रहे हो आप? नहीं नहीं, आपकी फिल्में आने वाली है? नहीं नहीं, कर चुकी हूँ जस्ट अभी रिसेंटली, जो मैंने किया है वो मोकामा है, जो दिनेश लाल, हाँ उसमें मोकामा जी की मैं, मतलब दिनेश लाल जी की मैं माँ का कैरेक्टर मैंने किया है। अच्छा, इस फिल्म की बात करें घात को, तो ऐसा क्या खास है कि मतलब स्टोरी की बात करें तो स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्टोरी के बारे में तो देखिए अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे, ये तो फिर पता दर्शक जब देखेंगे तो उनको फिल्म पिक्चर हॉल में ही पता चलेगा। बट इतना मैं कह सकती हूँ कि घात इसका जो टाइटल है इससे ही पता चल रहा है कि कुछ फाड़ू ही होगा। फिल्म फाड़ू करने वाला, हाँ फाड़ू ही होगा।